الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على السعودات وقالت عائشة رضي الله عنها فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. यहाँ तक कल के दर्स में हम लोग पढ़ चुके थे बाब का मतलब. इसी तरह से ये जो मुअल्लक़न इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस रवायत को यहाँ पर ज़िक्र किया और उससे इस्तदलाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का, ये इस इन तमाम बातों पर गुफ्तगू कर चुके हैं. इस बाब के तहत जो हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लाए हैं वो हदीस है, फरमाते हैं قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. तो ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बाब के तहत लाए हैं, जो पहले बाब यहाँ बाब अफनियत दूरी वल जुलूस फ़ीहा, बाब का दूसरा जो टुकड़ा है वल जुलूस अल सुउदात यानी अल तुरुकात, रास्तों में बैठने का क्या हुक्म है. तो इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस्तदलाल किया उस बाब के उनवान के लिए. हदीस से मसला वाज़ेह होगा. फरमाते हैं हद्दथना मुआद बिन फ़ज़ाला, मुआद बिन फ़ज़ाला अज़्ज़ुहरी अबू ज़ैद अल-बसरी قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة العقيلي عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار يبيها الهلالي المدني عطاء بن يسار عن أبي سعيد سعد بن مالك أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال इयाकुम वल जुलूसा. इयाकुम वल जुलूसा, यहाँ पर अल जुलूसा इसको मनसूब पढ़ा जाता है. क्यों कहा गया है मनसूबन अल तहज़ीर, मनसूबन अल तहज़ीर. तो इयाकुम वल जुलूसा अल सुउदात यानी रास्त अल तुरुकाती, रास्तों में बैठने से बचो यानी रास्तों में ना बैठो. क्योंकि यानी रास्ते में जो लोग बैठते हैं, आगे अल्लाह के रसूल ने बताया है रास्ते में जो लोग बैठते हैं तो अक्सर यानी अल्लाह के रसूल ने यहाँ जब मना किया तो बैठने वाला शख्स रास्ते में वो इस बात से महफूज नहीं रहता है, मामून नहीं रहता है कि बहुत सी इस तरह से मकरूह चीज़ें हराम चीज़ें सुनने और उसको देखने से नहीं बच पाता है जो कि उसके लिए हलाल नहीं है. और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो बाब उन्होंने कायम किया वहाँ पर लाए हैं अलस्सुउदात, अलस्सुउदात यानी वल जुलूस अलस्सुउदात. और जो हदीस है वो क्या है उसमें इयाकुम वल जुलूस अलत्तुरुकात. ठीक है, तो चूंकि यानी क्या नाम है इब्न हिब्बान, सही इब्न हिब्बान में ये हदीस है अबू हुर्रा रज़ी अल्लाह तआला के तरीक़े से मरवी है, उसमें है अस्सुउदात का लफ्ज़ आया हुआ, उसमें अस्सुउदात का लफ्ज़ आया हुआ है. और इस रिवायत में है अत्तुरुकात. तो इमाम बुखारी रहमहुल्ला ने जो बाब कायम किया अस्सुउदात ला करके बाब कायम किया, और हदीस में जो अत्तुरुकात गोया कि ये बताने के लिए कि दोनों का माना यकसा है, बराबर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं. जो उस हदीस में इब्न हिब्बान की रवायत में जो है अस्सुउदात, तो इस हदीस में जो अत्तुरुकात है बाब में ला करके गोया कि उस लफ्ज़ की तरफ इशारा किया है. ठीक है, तो इयाकुम वल जुलूस अलत्तुरुकात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रास्तों में बैठने से बचो, रास्तों में ना बैठो. वजह क्या है, क्योंकि रास्ते में बैठने वाला शख्स बहुत से यानी हराम कामों से नहीं बच पाता है, जैसे कोई गुजर रहा हो, कोई औरत गुजर रही है उसकी तरफ देखना, या इस तरह से रास्ते के बहुत सारे हुकूक हैं जो उन हुकूक की इंसान अदायगी नहीं कर पाता है. और अगर उन हुकूक की अदायगी नहीं करता है जो रास्ते के हुकूक हैं तो फिर आदमी क्या होगा, गुनहगार होगा. लिहाजा गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्तों में ना बैठो. फ़कालू,
तो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से कहा, फ़कालू मालना बुद्दुन, बुद्दुन के माने चारा, छुटकारा नहीं, मालना बुद्दुन मिनहा, हमारे लिए उसके उससे कोई छुटकारा नहीं, कोई चारा नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए वहाँ पर बैठना ज़रूरी है, हम उससे नहीं बच सकते हैं। इन्नमा हिया मजालिसुना नतहद्दसु फीहा, यानी घर के सामने या इस तरह से रास्ते में या कहीं पर भी इस तरह से जो जहाँ पर लोग आकर के मिलते हैं रास्ते में, वहाँ पर हम लोग, हमारी मजलिसें हैं, हम वहाँ बैठते हैं और आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। काला फ़ैदा अबैतुम इल्लल मजालिसा फ़अअतु तरीक़ा हक़्क़हा, यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि रास्ते वगैरह में इस तरह से ना बैठो, तो सहाबे इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल इस वहाँ तो हम मतलब बैठते हैं, इस तरह हमारे फ़ायदे की चीज़ है, या वहाँ पर ये हमारी मजलिसें हैं, इस तरह से हम बैठते आए हैं। ये नहीं कि वो अल्लाह के रसूल वसल्लम की बात मानने से इनकार कर रहे थे, यानी बैठने का अपना सबब बताया कि हम लोग इस तरह से हमारे नहीं बचना मुश्किल है, रास्ते में मुलाकात करते हैं, आके बैठते हैं, बातें करते हैं, यूँ ये हमारा तरीक़ा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा फ़ैदा अबैतुम इल्लल मजालिसा इल्लल जुलूस अला तुरुकात, कि अगर तुम इनकार करते हो मगर रास्तों में बैठने ही का, यानी तुम्हें बैठना ही है, फ़अअतु तरीक़ हक़्क़हा, तो रास्ते का जो हक़ है उस हक़ को अदा करो। क़ालू वमा हक़ु तरीक़, रास्ते का हक़ क्या है? क़ाला ग़द्दुल बसरी, निगाह को नीची रखना, ग़द्दुल बसर, आदमी अपनी निगाह रास्ते में बैठे तो निगाह को नीची रखे, यानी जो वहाँ से गुजरने वाले ख़ास तौर से औरतें गुजरती हैं, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि यानी बाद इस तरह से गैर महरम औरतें होती हैं जो वहाँ से गुजरती हैं, तो उनका देखना इंसान के लिए जायज़ नहीं है, लिहाजा आदमी अपनी निगाह को नीची रखे। जैसा कि हम देखते हैं कि रास्ते में इस तरह से नौजवान या लोग बैठते हैं और क्या होता है, लोगों पर आवाज़ें कसते हैं या औरतें गुजरती हैं उन पर आवाज़ें कसते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर बैठना ही है तो फिर ये इससे तुम्हें बचना है, निगाह को नीचे रखना। वकफ़ुल अज़ा, और अज़ा कहते हैं तकलीफ दह चीज़ को, और कफ़ कुफ़ के माने होता है रोकना। वकफ़ुल अज़ा, और ये कि तुम तकलीफ़ से बाज रहो, वकफ़ुल अज़ा तकलीफ दह चीज़ को से रुकना, उससे बाज रहना। क्या मुराद है यहाँ पर वकफ़ुल अदा से? हाँ शेख, वकफ़ुल अदा, हाँ, तो वहाँ पर मसलन मुराद ये है कि वहाँ पर बैठ करके किसी की तहकीर करना, कोई आदमी गुजर रहा है तो उसका मजाक उड़ाना, उसकी तहकीर करना, उस पर आवाज़ें कसना, उसकी गीबत करना, ये सब मुराद है। तो किसी को तकलीफ पहुँचाने से रुकना, नहीं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। वह कफ़ुल अदानी, कफ़ुल अदा अनिन्नासी। उसके बाद वरदुस्सलामी, और सलाम का जवाब देना, यानी गुजरने वालों में से अगर कोई शख्स सलाम करता है तो फिर सलाम का जवाब देना है। वह अमरुम बिलमारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, इसी तरह से भलाई का हुक्म देना और मुनकर से, बुराई से रोकना। क्या मतलब कि वहां पर अम्र बिलमारूफ, रास्ते में बैठ करके अम्र बिलमारूफ नहीं मुनकर? हाँ अच्छा, क्या मतलब है यहां पर कि रास्ते में बैठ करके आदमी अम्र बिलमारूफ और नहीं मुनकर का काम अंजाम दे, ये कैसे? यानी वहां पर अगर बैठे हुए हैं रास्ते में, इस तरह की कोई चीज है, अगर कोई यानी गलत काम कर रहा है, गैर मारूफ, जिसे शरीयत ने, इस्लाम ने कबीह करार दिया है, हराम करार दिया है, वो हराम है, कबीह है शरीयत की नजर में, और वो मुनकर है, तो उससे क्या करना है? लोगों को रोकना है, मना करना है। और इसी तरह से अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है या उसको देखते हैं तो उसको भलाई का हुक्म देना है, उसको सही रास्ता भी दिखाना है, मारूफ का हुक्म भी देना। तो अगर इन हुकूक की अदायगी करते हो तो फिर तुम्हारे लिए रास्ते में बैठना जायज़ है। तो हदीस से क्या मालूम हुआ कि रास्ते में वैसे बैठना क्या है, जायज़ नहीं है, इल्ला कि आदमी इन चीज़ों जिनसे मना किया गया है उनसे बचता है और जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है उन चीज़ों को बजा लाता है, तो फिर ऐसी सूरत में इंसान के लिए रास्ते में बैठना जायज़ है। इससे यानी यहाँ पर इस्तदलाल किया जा सकता है कि दरउल मफासिद अउला मिन जलबिल मसालिह,
درء المفاسد اولى من جلب المصالح, یہ قاعدہ ہے اس حدیث سے استنباط کیا, اور بہت سارے حدیثوں سے اس قاعدے کو استنباط کیا گیا, لیکن یہ حدیث بھی گویا کہ اس قاعدے پر دلالت کرتی ہے کہ درء المفاسد اولى من جلب المصالح. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں مشایخ سنیے یہ قاعدہ, درء المفاسد اولى من جلب المصالح, یا درء المفسدۃ اولى من جلب المصلحۃ. سنیے یہ قاعدہ, پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, اس سے پہلے بہت مرتبہ سنیں گے. بہت سارے حدیث سے اس کو استدلال کیا گیا ہے, فقہا نے یہ قاعدہ مستنبط کیا ہے, درء المفاسد اولى من جلب المصالح, یعنی مفسدہ خرابی کوئی چیز مطلب نقصان یا مفسدہ جو ہے اس سے بچنا, اس کو دور کرنا, یہ مصلحت حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ مثلا کہیں پر ایک طرف تو مفسدہ ہے اور ایک جگہ کیا ہے مصلحت ہے, ایک جگہ اس سے آپ کو یعنی خیر حاصل ہو سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ مفسدہ وہاں پہ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں وہاں پہ. اگر وہاں وہ کام آپ کرتے ہیں تو دونوں چیزوں کا امکان ہے, اس میں آپ یعنی آپ کو بھلائی بھی حاصل ہوگی اور وہاں خرابی کا بھی امکان ہے, مفسدہ کا بھی امکان ہے. تو لہٰذا مفسدہ سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی وہاں پر کیا بھلائی حاصل کرے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لوگوں کو کیا کیا, پہلے منع کیا کہ راستے میں نہ بیٹھو, لیکن راستے میں بیٹھنا, دیکھیے راستے میں بیٹھنے سے آدمی بہت ساری نیکیاں بھی حاصل کر سکتا ہے, جیسے غزے بسر ہے, غزے بسر کرتا ہے تو اس پر ثواب ملے گا, اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے تو ثواب ملے گا, سلام کا جواب دیتا ہے ثواب ملے گا, ٹھیک ہے, اور بہت سارے جو اس میں بتائے گئے ہیں تو ان امور کو انجام دیتا ہے تو آدمی ثواب کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان سارے کاموں کو کر کے وہ ثواب کما سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے, لیکن اگر ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو پھر کیا ہے, حرام کا ارتکاب کرے گا اور گنہگار ہوگا انسان. لہذا گناہ سے اور حرام سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پر آدمی کوئی بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو اسی کو کہا گیا ہے درء المفاسد اولى من جلب المصالح, کہ یعنی کیا نام ہے, مفسدہ کو دور کرنا, مفسدہ سے بچنا, اس کو مقدم کیا جائے گا. یہ مقدم ہے کس پر؟ مصلحت کے حصول پر اس کو مقدم کیا جائے گا. یعنی یہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خرابی سے نقصان سے بچا لے بجائے اس کے کیا ہے, یعنی خطرہ مول لے کر کے کوئی نیکی یا ثواب حاصل کرے. تو اسی طرح سے اس قاعدے کے تحت بہت ساری چیزوں کے لیے ہم استنباط کر سکتے ہیں, بہت سارے یعنی مسائل میں یہ قاعدہ ہمارے لیے کام آئے گا. جیسے مثلا کہا جائے کہ بھائی گھروں میں ٹی وی وغیرہ رکھنے کا کیا حکم ہے, لوگ گھروں میں ٹی وی رکھتے ہیں یا اس کو گھروں میں ٹی وی لگانا یا دیکھنا اس کا کیا حکم ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے اس کا کہ حرام ہے؟ مطلق طور پر حرام نہیں کہہ سکتے اس کو کہ حرام, بھائی ٹی وی میں بہت ساری خرابیاں حرام, تو وہاں پر آدمی کہے گا نہیں اس میں ہم خبریں سنتے ہیں, اسی طرح سے تقریریں بھی سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں, ہم سن سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں, لوگوں کے دروس محاضرات اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے, تو وہاں پہ لوگ کہیں گے کہ نہیں اس میں بھائی بہت خرابیاں بھی ہیں. تو اب دیکھیے اس میں خرابیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں, ہے کہ نہیں, دونوں چیزیں ہیں, خرابی بھی ہے اچھائی بھی ہے, دونوں چیزیں اس میں ہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ دیکھیے ٹی وی نہ رکھنا گھر میں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں, ٹی وی گھر میں نہ رکھنا آپ کا یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن آپ کے لیے جائز ہے, جائز کس صورت میں ہے؟ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں, غض بسر ہے اسی طرح سے اس میں بہت ساری جو خرابیاں ہیں, فحش فلمیں ہیں, اسی طرح سے گانے ہیں اور اسی طرح سے تصویریں اس میں آتی ہیں جو انسان کے لیے دیکھنا جائز نہیں, حرام ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچاتے ہیں, بچا لیتے ہیں, تو پھر کیا ہے, ٹی وی رکھنا آپ کے لیے مفید ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ وہاں پر اس طرح سے بچانا یہ زیادہ مشکل ہے, آدمی گناہ میں یعنی ایک فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں یا مصلحت کے چکر میں کیا ہے نقصان میں پڑ جائے, اس کا اس سے زیادہ نقصان ہو جائے,
तो ये अच्छी बात नहीं, लिहाजा उससे बचना ये क्या है ज्यादा बेहतर है। तो इसको क्या कहा जाता है, दरउल मफासिद औला मिन जलबिल मसालेह, यानी मसलहत को हासिल करने से ज्यादा बेहतर है कि आदमी मफसदा से अपने आप को बचा ले। तो इस हदीस से इस्तदलाल होता है कि नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबे कराम को मना किया कि रास्तों में ना बैठो, क्योंकि यहां पर मफसदा का इम्कान है, खतरा है कि लोग इस तरह से रास्ते में बैठेंगे तो वहां पर बैठ के किसी की गीबत करें, गुजरने वालों का मजाक उड़ाएं, कोई लड़की गुजरे उसका मजाक उड़ाएं या उसको देखना, आदमी अपनी निगाह नीची ना कर सके और क्या हो, इस तरह से आदमी गुनहगार हो। तो बेहतर यह है कि आदमी रास्ते में बिला हाजत जरूरत इस तरह से ना बैठे। हाँ, अगर बैठना ही है तो फिर रास्ते के जो हकूक हैं इन सब चीज़ों की आदमी एहतियात करे और इन उमूर को बजा लाए तो फिर क्या है, इंसान के लिए बैठना जायज़ है। वरना अगर इन चीज़ों को नहीं कर सकता इंसान तो उसके लिए बैठना जायज़ नहीं होगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को या यहाँ पर जो बाब है इसको किताबुल मजालिम में क्यों लाए हैं, हाँ क्योंकि रास्ते में या घर के सामने इस तरह से मस्जिद बना लेना या कोई ख़ास जगह बना लेना इस पर आदमी का वहाँ बैठना या इसी तरह से रास्ते में बैठना ये क्या है, जायज़ है। अगर आदमी उस हकूक़ की अदायगी करे तो जायज़ है। गुजरने वालों को इसी तरह से घर के सामने कोई चीज़ बना लेता है वहाँ पर बैठता है, गुजरने वालों को उससे तकलीफ़ नहीं होती है तो ये जुल्म नहीं है। और अगर उससे उनको तकलीफ़ होती है रास्ते में बैठने से, गुजरने वालों को तकलीफ होती है, आदमी तकलीफ पहुंचाता है तो क्या होगा, ये जुल्म है। इसीलिए इसको किताबुल मजालिम में लाए। बाबुल आबारी अला तुरुक इज़ा लम युतअद्द बिहा, बाब का मतलब ये है यानी बाबु हुक्मिल आबारी अल्लती हुफिरत अला तुरुक इज़ा लम युतअद्द बिहा। आबारी बिर की जमा है, यानी उस कुएं का क्या हुक्म है जिसे रास्ते में खोदा गया हो, रास्ते में बनाया गया हो, लेकिन इस शर्त के साथ कि उससे किसी को तकलीफ ना हो। इज़ा लम युतअद्द बिहा, उसके जरिए से तकलीफ ना होती हो तो फिर ऐसे कुएं का क्या हुक्म है या रास्ते में इस तरह का कुआं बनाने का क्या हुक्म है, क्या ये जुल्म होगा लोगों पर या ये जुल्म नहीं है। हदीस यानी बाब का जो यानी यहाँ पर जो मसला है, उनवान जो है इसका क्या हुक्म है यहाँ पर वाज़ह नहीं किया गया है। बाबुल आबारी अला तुरुक यानी बाबु हुक्मिल आबारी लती हुफिरत अला तुरुक, रास्ते में, रास्ते में मतलब वो रास्ते पर से मुराद यहाँ पर है यानी जो रास्ता है उसके इर्द गिर्द किनारे कुआं वगैरह खोद दिया जाता है लोगों के फायदे के लिए, पानी वगैरह पीने के लिए। तो इस तरह के कुएं का क्या हुक्म है, अगर उससे लोगों को तकलीफ नहीं होती है तो क्या ये जुल्म है या जुल्म नहीं है, जायज है या जायज नहीं है। हदीस से मसला वाज़ह हो जाएगा। भी قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر يعني سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر। तो हदीस यहाँ पर قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك, مالك سے مراد مالك بن انس یعنی امام دار الہجرہ امام مراد ہے یہاں پر, عن اس کے بعد ہے عن سمی عن سمی مولا ابی بکر, سمی یہ نام ہے یہ جو ابو بکر کی یہ آزاد کردہ غلام ہے, کون ابو بکر, ابو بکر صدیق نہیں مراد ہے یہاں پر, مولا ابی بکر, ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام مراد ہیں, یہ مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام عن ابی صالح, روایت کرتے ہیں یہ مولا ابی بکر جو یہاں پر ہیں یعنی سمی سمین جو ہے سمی نام ہے ان کا سمی, یہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے جن کا نام ذکوان ہے, لقب ان کا سمان ہے, یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, بعض روایتوں میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہے, بینا اور بعض نسخوں میں بینما, بینا بعد میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے, بینا اور بینما رجل
कि इसी दौरान कि एक शख्स बैनमा रजुलुन बितरीकिन, एक शख्स रास्ते में था, बाद रातों में है, यमशी बितरीकिन, एक रास्ते में वो चल रहा था, इश्तद अलैहिल अतशो कि उसे सख्त प्यास लगी, इश्तद अलैहिल अतशो उस पर प्यास सख्त हो गई यानी उसे तेज प्यास लगी, फवजदा बिरन तो उसे एक कुआं मिला, कहाँ पर, रास्ते ही में यानी रास्ते में था वो, बैनमा रजुलुन बितरीकिन रास्ते में था, रास्ते में वो चल रहा था और उसे प्यास लगी तो उसे कुआं मिला रास्ते ही में, फना जला फीहा उतरा उसमें, फशरीबा पानी पिया, तुम खरजा फैजा कल्ब यल हसो तो अचानक क्या देखता है, कुएं से बाहर जब आता निकल के तो देखता है कि एक कुत्ता यल हसो, लहसा यल हसो के माने होता है कुत्ते का जबान निकाल करके हाँपना, कुत्ता जो हाँपता है तेजी से सांस लेता है और जबान को बाहर निकाले हुए होता है प्यास की वजह से या थकान की वजह से यानी, तो उसको कहते हैं लहसा या लहसु या कुलुसरा मिनल आतशी, इस हाल में कि वो यानी प्यास की वजह से, सरा कहते हैं कीचड़ को, गीली मिट्टी को सरा कहा जाता है, असरा कीचड़ को यानी कुएं के बाहर जो पानी निकालने की वजह से जो थोड़ा बहुत कीचड़ रहता है उस कीचड़ को, पानी नहीं है कीचड़ को, वो क्या खा रहा है प्यास की वजह से यानी प्यास बुझाने के लिए, फ़काल रजुलो लकद बलगा हादल कल्ब मिनल अतशी मिसलुल्लदी काना बलगा मिन्नी, यानी उस आदमी को उस कुत्ते पर, उस कुत्ते की हालत देखकर उसको, उस पर उसको रहम आ गया, तो उसने कहा इस कुत्ते को प्यास लगी यानी बलगा हादल कल्ब मिनल अतश, इस कुत्ते को प्यास लगी है मिसलुल्लदी काना बलगा मिन्नी, जिस तरह से मुझे प्यास लगी थी यानी प्यास की शिद्दत जिस तरह से मुझ तक पहुंची थी यानी मुझे महसूस हो रही थी उसी तरह से भी प्यास की शिद्दत क्या है महसूस कर रहा होगा, तो इससे आदमी पर क्या, आदमी को उस पर रहम आ गया कुत्ते पर, और रहम खा के क्या किया उसने, फनजल बिरा तो वो कुएं में उतरा, फमल अखुफहु मान उसने अपने खुफ को, चमड़े का जो मोजा होता है पहने होता है उसको, गया कि उसमें पानी भरा, फसक अलकलबा और कुत्ते को पिला दिया, फशकरल्लाहु लहू शकरल्लाहु लहू अल्लाह ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्या मतलब अल्लाह ने उसका शुक्रिया अदा किया, फजज़ाहुल्लाहु अला अमलिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस अमल पर उसको बदला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदे का शुक्र शुक्र यानी शुक्रिया करना क्या मतलब होता है, यानी उस अमल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बदला दिया, उसके इस नेकी को कबूल किया, उसके इस अमल को कबूल किया और उसको इसका बदला दिया, फ़गफ़रा लहू तो उसको बदला क्या दिया, अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, उसके गुनाहों को बख्श दिया, कालू या रसूल अल्लाह तो लोगों ने पूछा, सहाबी कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, और उसी में से एक सहाबी हैं कौन, सुराका बिन मालिक बिन जुहशुम, सुराका बिन मालिक जैसा कि मुस्नद अहमद में जिक्र आया उनका कि सवाल करने वालों में कौन थे ये, सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, कालू या रसूल अल्लाह व इन्ना लना फिल बहाइमि लअजरन, अल्लाह के रसूल क्या जानवरों में हमारे लिए अजर है, यानी इस तरह से बहाइम जो चौपाए होते हैं उनके सिलसिले में भी उनको भी फ़ायदा पहुंचाने में हमारे लिए अजर है, सवाब मिलता है, फ़काला फ़ी कुल्ली ज़ाती कबिदिन रतबतिन अजरुन, फ़ी कुल्ली ज़ाती कबिद, ज़ातो कबिद माने कलेजी वाला, रतबतिन माने रुतुबत से मुराद, रुतुबत माने क्या होता है जो गीला हो, मुराद है तो यहाँ पर रुतुबत से मुराद यानी हयात जिंदगी मुराद है, कि हर यानी जिंदा कलेजी वाला जानवर क्या होता है यानी हर जी रूह में तुम्हारे लिए क्या है अजर है, तुम्हारा क्या होगा, फी इरवाई कुल्ली ज़ाती कबिदिन रतबतिन अजरुन, फी इरवाई कुल्ली ज़ाती कबिदिन रतबतिन अजरुन, हर जी रूह को पिलाना यानी उसको फायदा पहुंचाना, उसको सैराब करना, सैराब करने में क्या है अजर है, जो भी ज़िरूह हो, जानदार हो, कोई भी हो, तो उसको अगर इंसान पानी पानी पिलाता है, सैराब करता है, तो उसमें तुम्हारे लिए क्या है अजर है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस हदीस से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कैसे इस्तदलाल किया है कि बाबुल आबारी
على الطرق اذا لم يتاذى بها. कैसे इस्तदलाल मशाइख इससे? इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रास्ते में, इसी तरह से सहरा वगैरह में या रास्ते में कुआं खोदना जायज है अगर उससे लोगों को तकलीफ ना हो तो। देखिए यहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब इसलिए कायम किया है क्योंकि रास्ते में अगर कोई आदमी कुआं खोदता है, ठीक है, कुआं खोदता है तो इसमें इस बात का गुमान है कि कोई जानवर आकर उसमें गिर पड़े या कोई इंसान, रास्ते में कोई आदमी चल रहा है, रात वगैरह में कोई चले, रात में आदमी आकर कुएं में गिर पड़े, तो फिर क्या होगा? ये जुल्म होगा कि नहीं जुल्म होगा? जुल्म है। लेकिन चूंकि यहां जो है ये एक यानी गुमान है और ऐसा नादिर होता है, ऐसा शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि रास्ते में कहीं पर कुआं हो तो कोई आदमी उसमें गिर जाए या कोई जानवर वगैरह गिर जाए, लेकिन आम तौर से इसका फायदा लोगों के लिए ज्यादा है, जानवरों को पानी पीना मिल जाता है। इसी तरह से रास्ते में से बहुत से लोग इस तरह गुजरने वाले होते हैं, मुसाफिर होते हैं, जो उससे उस कुएं से क्या है फायदा उठा सकते हैं, तो इसका फायदा चूंकि यहां पर ज्यादा है, राजह है बनिस्बत मजरत के जो नुकसान है इसका, इसलिए रास्ते में कुआं खोदना क्या है जायज है। लेकिन शर्त है वहां पर क्या? उससे लोगों को तकलीफ, गुजरने वालों को तकलीफ ना हो। लेकिन जहां तो ऐसी सूरत में ना तो कुआं खोदने वाला उसका जामिन होगा, मसलन कोई जानवर गिर जाता है तो उसका जामिन भी नहीं होगा, कोई इंसान गिर जाता है तो भी उसका जामिन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो नुकसान है ये यानी एक नादिर है, ठीक है, नादिर है, इसलिए रास्ते में कुआं खोदना जायज है। और यहाँ पर इस्तदलाल कैसे कि गोया कि वो रास्ते में कुआं था और उस आदमी ने उससे पानी पिया, फायदा खुद फायदा पहुँचाया, इस तरह से जानवर को भी फायदा पहुँचाया जिससे एक इंसान की जान बची, तो चूंकि यहाँ पर जान बचना और लोगों को इस तरह से ज़्यादा फायदा हासिल होता है बनिस्बत इसके कि उससे किसी को नुकसान हो जाए और उसका नुकसान नादिर है, तो लिहाजा इस वजह से यानी कुआं खोदना रास्ते में क्या है जायज़ और ये जुल्म नहीं है। ठीक है मशाइख। और दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी पानी पिलाना, इस तरह कुआं खोदना या कहीं पर नल लगवा देना या किसी भी ज़ीरूह को पानी पिलाना, यहाँ तक कि अल्लाह इस इंसान ने और रवायतों में आता कि वो इंसान कैसा था, बाद रवायतों में आता कि वो मर्द था, किसी में आता कि वो एक औरत थी, और वो क्या था, वो बदकार इंसान, गुनहगार इंसान, उसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस यानी उसके रहम खाने की वजह से, एक कुत्ते पर रहम, उसके दिल में रहम आ गया और उस कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके गुनाहों को बख्श दिया और जन्नत का मुस्तहिक हुआ इंसान एक जानवर को पानी पिलाने की वजह से। तो अगर कोई इंसान, कोई भी शख्स हो, अगर किसी इंसान को पानी पिलाए तो फिर उसका अजर कितना होगा, कितना बड़ा सवाब होगा। तो यानी किसी इंसान को पानी पिला दे, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, यहाँ तक कि जब जानवर को पानी पिलाने का, खिलाने का, पिलाने का इतना बड़ा सवाब है, तो अगर इंसान को जो कि एक मुहतरम है, मुअज्जज है, यानी और जानवरों के मुकाबले में इंसान को कोई शख्स पानी पिलाता है, उनके लिए इस तरह से पानी फराहम करता है नल लगवा करके, कुआं खुदवा करके या वहाँ उन तक पानी वगैरह पहुँचा करके, तो फिर उसके लिए कितना बड़ा अजर सवाब होगा। यानी कोई इंसान किसी इंसान पर रहम खाता है, उसको देख करके रहम खाता, उसके दिल में रहम आता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है ऐसे इंसान पर रहम करता है। लेकिन अगर कोई शख्स जुल्म करता है, आज तो लोग जानवरों पर इसके बजाय इंसानों पर ज़्यादा जुल्म करते हैं, पानी पिलाने की दूर की बात, तो ऐसा करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं कि क्या हो, किसी तरह से ये हलाक व बर्बाद हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जो शख्स लोगों पर इसी तरह से दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भी ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता है। अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, अल्लाह ने फरमाया अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान इरहमु मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, कि जो रहम करने वाले होते हैं अल्लाह रब्बुर रहमान उन पर रहम करता है। लिहाजा इरहमु मन फिल अर्द, जमीन में जो लोग हैं, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।
تو وقت زیادہ ہو گیا مشائخ، آج کے درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.